ले भाई कहाँ है बिल्कुल कल आ जाएगा, अगला एपिसोड कल हो जाएगा। हेलो गाइस, जयपुर वालों, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट व्लॉग में हमारा प्लान बना था, एकदम से ही रैंडम, बहुत ही ज्यादा रैंडम प्लान था कि भाई जयपुर मेरे को आना ही था अपनी वाइफ को लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जयपुर में अपने बहुत सारे लोग हैं जो मिलने कहते रहते हैं, लेकिन कभी मिल नहीं पाते हम, ऐसा होता है। एक बार बहुत पहले मिले थे, उसके बाद कभी मिलना हुआ नहीं। तो मैंने सोचा अब मौका भी है, दस्तूर भी है, तो एक छोटा सा मीटअप कर ले। मेरे को पता है, मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे सबको बताया कि ऐसे ऐसे सीन है भाई, मिलने का प्लान करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई प्लीज कल का एक दिन बाद का रख लो, आपने एकदम से बताया आप कैसे आएंगे, हमारा कॉलेज है, स्कूल है, किसी का ऑफिस है, किसी का कुछ है। पर भाई ये वाला जो है सीन, ये एकदम से ही प्लान बना मेरा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मंडे तक है वोटिंग का जो भी चक्कर है, मंडे तक कभी पता नहीं। गोपालपुरा बाईपास रोड फॉर 1.5 किलोमीटर्स। ये क्या, ये पहले से वो बोल दो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वोटिंग का बहुत चक्कर है। अगर आज अपना ये सक्सेसफुल रहा तो मैं सोच रहा हूँ कल थोड़ा सा आगे उदयपुर या जोधपुर भी निकल जाऊँ, देखेंगे वो जैसे भी प्लान रहेगा। तो फिलहाल जितने भी लोग आएंगे, 10, 15, 20, 50, 100 जो भी आएंगे, अपना मिलते हैं सारे भाई, और एक बार सब थोड़ा सा एलविश के लिए, थोड़ा सा वोटिंग के लिए सपोर्ट करते हैं सारे, बैठ के यहीं पे वोट करवाऊंगा सबसे, और सबसे कहूंगा कि भाई सब 10-10 लोग अपना जोड़ो, जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि वोटिंग का बहुत क्लोज मैटर चल रहा है। तो वो हमें किसी भी हाल में ढीला नहीं छोड़ना है, और ये नहीं सोचना है कि हमारा तो जीत ही जाएगा, नहीं भाई, पूरा अपना जोर लगा देना जितना हमारे पास है। 1% भी हमारी साइड से ढील नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, किसी भी केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ भी गलती कर दी, या हम ऐसे भी कर सकते थे। इसी चक्कर में मैं यहाँ आया, मैंने कभी आज तक ऐसे रैंडम मीटअप नहीं करा, ना मेरे साथ कोई है, मैंने यहीं से ही कुछ लोग करे हैं अरेंज, अपने भाई बंधु जो हैं। पर मैंने कहा भाई मिलना जरूरी है, वोटिंग जरूरी है फिलहाल, और कुछ जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है कि वोट डलें, तो इसलिए मीटअप रखा है। अगर ये बढ़िया रहा, ढंग से रहा, तो आगे देखते हैं जोधपुर या उदयपुर या कहीं भी, कमेंट करके बता देना तुम कहां से हो। मैं अकेला आ रहा हूं, अकेला आ रहा है तुम्हारा भाई, और बताओ तुम्हारे पास कुछ भाई हैं जयपुर के, जो लोग, जो काफी लोग मतलब थोड़े से नाराज भी हो गए कि भाई तुम एकदम से आते हो, एकदम से बताते हो और मिल नहीं पाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। भाई मैं एक दिन आऊंगा पूरा पहले से बता के, बढ़िया वाला मीटअप भी करेंगे, बढ़िया वाला जिसे कहते हैं। पर फिलहाल तुम सबको पता है कि क्या चीज जरूरी है, फिलहाल मीटअप जरूरी नहीं है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कोई भी चीज जरूरी नहीं, फिलहाल है वोटिंग जरूरी, थोड़ी सी अवेयरनेस जरूरी। और कैसे, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कैसे क्या वोट करना है, कैसे नहीं करना, तो उस चीज की अब ये समझ लो, अगर हर इंसान भी थोड़ा थोड़ा भी अपनी साइड से जितना कर सकता है वो करता रहेगा ना, तो यही टाइम है, बस ये 2 दिन रह गए हैं। अब इन 2 दिनों में तो खींच दो मीटर, मतलब इसमें तो कोई ढील छोड़ो ही मत, अगर इसमें छोड़ देना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा यहाँ करते हैं, अगर ढंग से रहा तो फिर जोधपुर या फिर उदयपुर का प्लान करते हैं। बाकी मैं तुम्हें सारी डिटेल शाम को दूंगा, पहले बार पहुंच जाऊं, देख लूं क्या माहौल है। ले भाई वोट हो गए भाई, अनिल भाई आप करो, ले भाई आप करो, ले भाई मेरे हाथ में करवा दू, कोई दिक्कत ना, ले भाई कहाँ है, कहाँ है अपना चीता, कहाँ है अपना सिस्टम, कहाँ है सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, बिल्कुल कल आ जाएगा, अगला एपिसोड कल आ जाएगा भाई थोड़ी सी जगह, इंस्पेक्टर साहब जगह बनवाओ, ठीक है भाई पुलिस वाले पकड़ेंगे तुम्हारे यहाँ, कोई दिक्कत ना भाई, थोड़ी थोड़ी जगह बनाना, ओके भाई चलो ध्यान से, हाँ राम 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 भाई, राम राम, ओके भाइयों चलो 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 भाई, धीरे धीरे ले लो, चलो शाबाश, चलो जी बहुत बढ़िया, ओके भाई थैंक यू सो मच सबका आने के लिए, थैंक यू, बस 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 बस, अब जाते 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 नुकसान मत कर देना भाई, आप बहुत, हाँ मैं बताऊँ, अब आप ज्यादा भीड़ हो रखी है, पर
ऊपर सबके साथ फोटो नहीं खींच पाए ढंग से, और ये तो भाई यार बेसमेंट तक आके अपना खिंचवा के भाई जो सॉरी यार वो, अरे पुलिस वाले आ गए यहाँ, फिर किसी ने कांच तोड़ दिया, और फिर एक क्या कर दिया कोई कैफे अंदर उसका कुछ वो तोड़ दिया, कुर्सी कुर्सी तोड़ दिया अंदर। पहले हम ऊपर खड़े थे, हमने ऊपर से देख लिया, फिर गाड़ी देख ली मैंने 426। हाँ हाँ भाई है इसमें तो गाड़ी तो अपनी है लेकिन फोन नहीं उठा रहा होगा भाई। भाई फोन का पता ही नहीं चल रहा था जब उस टाइम पे, कहाँ आपका मैसेज किया फोन किए आपने अटेंड नहीं किया। चलो ठीक है भाई मिलते हैं फिर, अब तो निकलते हैं, वोट करते रहो इतना तुम। वोट सिस्टम हैंगर रखा है। ठीक है भाई। भाई उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतने से कम टाइम में इतने सारे लोग आ जाएंगे, और लोग जो ये थे ये अलग अलग जगह पे थे, मैंने जैसे मॉल का वो डाला था कल नीचे से लूं ऊपर से। अभी पुलिस भी आ गई थी जब आप गए ना। हेलो 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 ऊपर से पुलिस आ गई थी। हाँ, नीचे से ले लूं। भाई पुलिस तो आई गई थी, वो जो मेरे को जिसने निकाला वो इंस्पेक्टर तो था, वो कह तो रहा था कि मैं पुलिस वाला ही हूँ। मैंने कहा भाई तू पुलिस वाला होएगा पर मेरे को बाहर तो निकलवा, मैं क्या करूं मेरी क्या गलती है इसमें। अब एकदम से आ गए सब लोग, और वो तो ऐसा हो गया कि कुछ लोग अंदर थे कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग वो जो प्लेस चल रहा था वो देख रहे थे ना। हाँ। तो हम हमारी जनता डिवाइड होगी, उसके बावजूद जहां हम खड़े हुए थे जहां मैंने वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पर जो डाली है उसका, भाई वहां पीछे का वो कांच तोड़ दिया किसी ने, एकदम से भीड़ हुई ना जैसे वो कांच तोड़ दिया, और जो अंदर वो जो कैफे था उसका कुछ लकड़ी का सब वो बन रखा था टेबल चेयर सी वो तोड़ दी, और वही मतलब तोड़ा फोड़ी मचा दी अपने ऑडियंस की। ये तो खासियत है कि तोड़ा फोड़ी तो मचेगी मचेगी। अब एक दो भाई हैं वे कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे पुलिस केस कर दिया इन्होंने कि एकदम से ऐसे ऐसे आ गए। मैंने कहा कोई बात ना भाई, अब तुम मैं निकल जाता हूँ घर, रात को सो जाता हूँ, तुम सुबह बताना मेरे को कि क्या केस कर दिया और क्या नहीं कर दिया। अभी तो मैं निकल लिया, वोट करवा दी मैंने अपनी साइड से दबा के। ठीक है कालू तो करवा रहा वोट? करवा रहा हूँ भाई। भाई ये मेरे मौसी का लड़का है जिसे नहीं पता, ये जयपुर में रहता है यहीं, तो ये कब कब मैं यहाँ आया मेरे को इसका पता ही नहीं चला, कब कब मैं आया मैंने यहीं मिला सीधा। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, फिर इसने बताया कि ऐसे ऐसे भाई मैं यहीं था मैं आ गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, तो भाई अब देखो ऐसा दो दिन रह गए वोट करो दबा के। ठीक है मैं तो सोच रहा हूँ अब कहीं और चला जाऊँ कल, या तो उदयपुर या जोधपुर। मेरी जो पीजी में ना हाँ। वो भी खूब खींच के लग रहे हैं सब। बस तो थोड़ा सा टाइम, दो दिन हो रहा है, बस दो दिन और खींच के ही रख लो, क्योंकि उसके बाद तो फिर कोई बात है ना, ट्रॉफी घर आई जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कल या तो उदयपुर या जोधपुर या फिर कोटा। कमेंट करके जरा बताओ कि कहाँ करना है, सिस्टम हैंग मैं आ रहा हूँ ऐसी अकेला ही आऊंगा, चार अपने जो मेरे बाउंसर थे ना ये चार ये यहीं से लिए थे, अपने चार पांच बाउंसर उठा के ऐसे साथ, ताकि थोड़ा सा सेफ्टी के लिए कि भाई कुछ वैसी दिक्कत ना हो, है ना, निकलने बैठने में थोड़ी सी वो रहे, जैसे गाड़ी वाड़ी निकलवानी थी इन्होंने निकलवा दी, वरना थोड़ा सा लोगों का जो प्यार है ना वो एकदम से सब कुछ हाँ दूरी खड़ा होगा मेरे को भाई एकदम भाई सिस्टम खराब हो गया था। पर चलो ठीक है, सारे भाई से मिले, सबसे वोट करवाई, और सबसे मैंने कह दिया रील पर डालो दबा के, जो भी मेरे साथ जिन्होंने रील बनाई सब कुछ, मैंने कहा रील डालो वो कर दो वायरल, दो दिन रह रहे मेरे प्यारे भाइयों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी मैं कालू तो उसका नाम हमने बिगाड़ रखा है, हेमंत नाम है, उसको छोड़ के उसके पीजी पे आ रहा हूँ, और वहाँ पे निकलते ही मेरे को बहुत सारे लोग मिले, तो उन सबको बता के आ रहा हूँ कि भाइयों वोट करना। तो वो कह रहे हैं ऑलरेडी चल रहा है, पर रास्ते में ना मैं आते टाइम मार्केट से पढ़ रही थी एक, तो उस मार्केट में गया, अरे भाई मेरे साथ अब भी मतलब मैंने आज इतना भयंकर प्रचार करा है ना, सही बता रहा हूँ, एक नंबर, मतलब इतनी वोट पकाई है मैंने आज अपनी मतलब एलविश की, कि एक नंबर सीन बैठा दिया। मार्केट में जो गया हूँ कम से कम 30 से 40 लोग सीधे सीधे, मतलब जिन्होंने डाउनलोड भी ना कर रखा था उनको डाउनलोड करवाया। और मेरा रास्ता किधर है यार, एक बार रास्ता देख लो भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, डाउनलोड करवाया, वोटिंग करवाई, और ऊपर से पूरा मार्केट में से घूम के आया हूँ ना, तो इतने लोग मिले हैं। पर एक अंकल ने मेरा लास्ट में ऐसा दिमाग खराब करा, मतलब बहुत बुजुर्ग अंकल थे, कहनी नहीं चाहिए, पर फिर भी यार मैं तो तुम्हें सारी बात अपने दिल की बोल देता हूँ तो बोल रहा हूँ भाई। एक एज के बाद ना इंसान का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए कायदे से, पता है रीजन क्या? रीजन बताता हूँ तुम्हें क्यों। बहुत बुजुर्ग अंकल स्कूटी चला रहे, बिल्कुल मतलब ऐसे लगा लो 80-85 साल की उम्र होगी, बिल्कुल बुढ़े हो रहे थे, तो उस एज में वो चला रहे, अब भी बालक मेरी वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं ये पता नहीं। चलो खैर वो तो कोई बात नहीं, अंकल की बात बताता हूँ एक बार मैं तुम्हें। तो भाई मैंने मार्केट का रास्ता था पूरा, ठीक है, अब अंकल जा रहे तो मैंने ऐसे हॉर्न बजा दिया कि अंकल बहुत देर से ना बिल्कुल स्लो, कभी पैर टेक रहे कभी कुछ कर रहे, तो मैंने थोड़ा हॉर्न दे दिया कि अंकल मेरे को जाने दो भाई, अगर आप आराम आराम से आ रहे हो आ जाओ। हॉर्न देते ही भाई अंकल ऐसे डर गए, मतलब ऐसे पूरी स्कूटी कांप गई और अंकल की हालत खराब, और फिर अंकल ने ऐसे रोक के ऐसे बिल्कुल बुरा सा मुंह बना के कि बोला भी नहीं जा रहा उनसे कि क्या है ये, मतलब पता नहीं कुछ ऐसे बोला होगा, क्या है क्या कर दिया या क्या हॉर्न क्यों मार रहा है, ऐसा कुछ बोला होगा। हालांकि मैंने रिप्लाई नहीं करा, पर अगर मैं रिप्लाई करता भी तो क्या करता, एक बात सोचो भाई, रोड पे चल रहे हो अगर कोई साइड दे रहा तो हॉर्न नहीं बजाऊंगा ना, पर अंकल की हालत खराब हो गई उसमें। तो मेरे को एक जो चीज़ लगी, एक एज के बाद थोड़ा सा दिल भी कमजोर हो जाता है भाई, एक्सीडेंट हो जाए तो
इस एज में कुछ नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई चलाता भी तो उन्हें टोक दिया करो कि अंकल रेस्ट करो, घर पे रहो, खाओ पियो, मौज लो। अब घूमने मतलब स्कूटी चलाने की उम्र थोड़ी है। गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं भाई सीधा सीधा, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम बचा है। तो अपना कल का जो यहाँ जयपुर का मैंने सोचा था जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं, ठीक है। अपनी जो वोटिंग की थी वो भी हो गया, लोगों के साथ जो मेरे को लोगों को थोड़ा सा वो करना था कि रील्स बनाओ, स्टोरीज डालो, सब कुछ वो सारा चीज़ हो गई है। अब मेरा क्या प्लान है कि अब टाइम बचा है आज और कल का, दो दिन का। तो आज जब तुम ये व्लॉग देखोगे उस टाइम पर मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं जयपुर में ही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि अगला जो एक ऐसा ही छोटा सा मीटअप कहाँ रख सकते हैं हम। या तो हम रख सकते हैं जोधपुर या उदयपुर या फिर कोटा, या फिर एक ऑप्शन है गुड़गांव का, गुड़गांव का भी ऑप्शन है, चारों का। मैंने सोचा कि गुड़गांव की भी अपनी जो ऑडियंस है उनसे, हम वहाँ दिल्ली में जब मीटअप हुआ था जब मिल नहीं पाए थे, वहाँ आए थे बहुत सारे लोग, कमेंट्स भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे, पर मिल नहीं पाए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मिल लेंगे आज, मतलब आज, हाँ मैं अगर आज गुड़गांव के लिए अभी निकलूंगा दो तीन घंटे बाद भी तो शाम तक भी पहुंच सकता हूं, वरना कल सुबह सुबह जल्दी रख लेंगे। तो मेरे को एक बार कमेंट कर बताओ कि कहां का मीटअप रखना है, फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे आज दोपहर तक फाइनल कर दूंगा कि भाई हाँ यहां पे रख रहे हैं, वो तुम देख लेना, और फिर उसके बाद कल या फिर आज शाम को, इनमें से दो दिन में से एक, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आज शाम को, वरना फिर कल तो है ही है 100%, इनमें से कोई मीटअप रखते हैं। मैं लोकेशन वगैरह जगह वगैरह वो सब कुछ फाइनल बता दूंगा इंस्टाग्राम पे, फटाफट वो करो क्योंकि अपनी जो वोटिंग है वो नहीं रुकनी चाहिए। मेरे पास अभी इन भाइयों के भी फ़ोन आए थे कि भाई इनका कुछ केस वेस का कुछ चक्कर हो गया, वो एक बार मैं देखता हूँ क्या है यहाँ का मैटर सुलझा के, और फिर सीधा या तो गुड़गांव या जोधपुर या उदयपुर या फिर कोटा, कमेंट करके बताओ फटाफट, ठीक है। फिलहाल इस व्लॉग को मैं एडिट करके डालता हूँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख ले तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वोटिंग करते रहना दबा के। फिलहाल फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।